सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गुप्त सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने जालतलगंज थाना क्षेत्र के जिलहाता स्थित हरि निवास के पीछे से एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से 3 ग्राम हेरोइन बरामद की, साथ ही पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 4,740 नकद भी बरामद की है। प्रेस वार्ता कर शहर थाना प्रभारी अरुण महतहा ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू राकेश कुमार गौड़, बजरंगी कुमार गुप्ता और अजंती देवी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पेडलर पकड़े गए हैं, एक बड़े गैंग का सब खुलासा हुआ। जो सामान पकड़ा गया है वो अब तक जो ट्रेस हुआ उस हिसाब से ये हीरोइन है, और पिछले 1.5 साल में हीरोइन की ये कहा जाए तो बड़ी मात्रा है कि पेशा की तुलना में लगभग 13 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना थी कि एक महिला जेल हाथा में पुड़िया बना करके बेचती है, यानी कभी वो पकड़ में नहीं आ रही थी। जब भी सूचना था तो छोटा छोटा अमाउंट का सूचना मिलता था, इसलिए पुलिस ने उस पर प्लान के तहत तरक्की किया। कल पुलिस की टीम को पता चला कि वहाँ 2 लड़के जो उसके पेडलर हैं वो बढ़वा से ड्रग पहुँचाने आए हैं। सूचना पर पुलिस तुरंत रेड की और 2 लड़के और 1 यूजर और 1 महिला जो बेचती है, 4 लोगों को इमीडिएट स्पॉट से पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 13 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है। टिकिया के फॉर्म में है 10 ग्राम और 3 ग्राम पुड़िया के फॉर्म में है, और 4 लोग पकड़े गए हैं। 2 पेडलर के पास बाइक बरामद हुआ है, महिला सेल करती है, उसके पास लगभग 4,700 रुपया बरामद हुआ है। पूछताछ में ये पेडलर बताए हैं कि ये सासाराम से माल मंगवाते हैं और इस शहर में गढ़वा डाटेगंज में बेचते हैं। सासाराम से एक महिला पहुंचाती थी जो हाल में करीब 1 सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई।